कि महाराज जजाति बिल्कुल 90 वर्ष के 100 वर्ष के बूढ़े अपने अपने स्टैंडर्ड से वर्ष गिना जाता था, तुरंत वृद्ध हो गए, सिर कांपने लगा, हाथ कांपने लगा, चमड़े ढीले हो गए, सब नसें चारों तरफ दिखाई देने लगी। ये शुक्राचार्य का अविवेक था। इस संसार में कोई व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह करता है तो सोचता है हमारा दामाद अच्छा मिले, युवक मिले, ये मिले, लेकिन ये पहला ससुर मिले जो अपने दामाद को ही बूढ़ा बनाते, बहुत भारी विद्वान, विद्वानों में इनका नाम आता है। लेकिन स्त्री की आसक्ति भी हद दर्जे की थी जजाति महाराज में। जब बूढ़े हो गए बिल्कुल, तब अपने ससुर से कहते हैं, अतृप्त स्मद्य कामानां ब्रह्मं दुहितरिष्मते, हे सर्वज्ञ, हे वेद तत्व को जानने वाले पूज्य, मैं आपकी पुत्री से कामोपभोग में तृप्त आज तक नहीं हुआ, अतृप्त अस्मि। मैं आपकी पुत्री के साथ रहते रहते और इससे अनेक प्रकार से इंद्रिय सुख पाने के बाद भी मैं अद्य आज तक अतृप्त हूँ। जो रोने लगे, इस तरह से कहने लगे, शायद विश्व के इतिहास में कोई व्यक्ति अपने ससुर से इतना निर्लज्ज होकर के नहीं बोला होगा। आजकल के गिरे हुए आदमी भी नहीं ऐसा बोलेंगे, उस समय की तो बात बहुत दूर है। मैं आपकी पुत्री से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं इस कामा नाम अतृप्त में काम उपभोग से मैं अभी अतृप्त रह गया। ते दुहितरी, आपकी पुत्री के प्रति मैं भी काम वासना से अतृप्त रह गया हूँ, मेरी तृप्ति नहीं हुई है। प्रकारांतर से जजाति महाराज कहे कि ससुर जी, जो आप किए तो आपने अपनी पुत्री को ही घाटा में डाल दिया। तो ये युवती रहेगी और इसका पति वृद्ध बूढ़ा हो गया, हमको तो आपने डाला ही घाटा में, मैं तो अतृप्त रह गया, लेकिन आपकी पुत्री, ये आजकल का दामाद रहता तो कहता कि अब तुम्हारी बेटी कहाँ जाएगी, दूसरा विवाह करोगे। आजकल का दामाद रहता तो झगड़ा करता है, फिर जजाति महाराज झगड़ा नहीं किए, उन्होंने अपनी दीनता बताया कि आपकी पुत्री से अभी मैं कामोपभोग में तृप्त नहीं हो सका हूँ। इतना सुनते ही तब उस ब्राह्मण का दिमाग खुला कि अरे बाप रे बाप, मैं क्या कर दिया। सोचने लगे तो मैंने तो अपनी पुत्री को ही धोखा दिया, मेरी पुत्री बिल्कुल ज्योति है और मेरा दामाद इतना वृद्ध हो गया, ये बेचारा ठीक ही कह रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो तो बहुत बड़े एक शक्तिशाली ब्राह्मण थे, उन्होंने तुरंत ही कहा, एक श्लोक में आधा श्लोक जजाति महाराज का है और आधा श्लोक शुक्राचार्य का है। तो वे कहते हैं, व्यत्यस्तताम जथा कामम वयसा यो भी धार्यति, जो भी तुम्हारे बुढ़ापा को धारण कर सके तुम उसको दे दो बुढ़ापा और उसकी जवानी ले लो, ये मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे बुढ़ापा ले ले और तुमको जवानी दे दे तो जवानी तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम जवान हो जाओगे लेकिन वह वृद्ध रहेगा, तो ये विनिमय कर लो, जो भी स्वीकार करे तुरंत, क्योंकि ये है शक्ति शुक्राचार्य की। आजकल किसी के कहने से क्या होगा,
कोई किसी वृद्ध को कहे कि जाओ और वहाँ से एक नवजुवक से उसकी जवानी ले लो और अपनी बुढ़ापा दे दो, तो किस उपाय से वो देगा लेगा? क्या उपाय है? कुछ भी नहीं है। लेकिन शुक्राचार्य में यह शक्ति थी, जो कह दिए तो कह दिए, उनका वचन पूरा होना था। तो उधर से जजाति महाराज अपनी युवती पत्नी के साथ लौटे और ससुर के द्वारा ये उपहार मिला, बुढ़ापा मिली। देखिए इतिहास ऐसा, क्रोध में आदमी किस तरह से गलती कर बैठता है। शुक्राचार्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने व्यवस्था कर दिया, जाओ बुढ़ापा दे दो किसी को और उसकी जवानी ले लो। तो वे आए अपने राजधानी में, हल्ला हुआ चारों तरफ कि महाराज जजाति बिल्कुल वृद्ध हो गए और बुढ़ापा दिया कौन? तो ससुर जी दिए हैं, देवयानी के पिताजी दिए। ऐसा उपहार किसी ससुर ने अपने दामाद को नहीं दिया होगा। ये विद्वान की गति है, दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान, गीता में इनका नाम है कबीना मुसना कवि। भगवान कहते हैं कि मैं विद्वानों में शुक्राचार्य हूँ। शुक्र नीति बहुत प्रसिद्ध है, उनकी नीति पर ही चल करके दैत्य लोग देवताओं को भी परास्त कर देते हैं। इतना बड़ा विद्वान और इस तरह क्रोध में गलती कर बैठे, और अपनी पत्नी क्रोध में ये भी नहीं सोची कि वहाँ जाऊंगी तो हमारे पिता इनको दंड देंगे, ये करेंगे, चली ही गई। अच्छा ठीक है, उधर से लौटे, लौटे तो कौन व्यक्ति दे सकता था अपनी जवानी किसी को? कौन बूढ़ा बनने के लिए तैयार होगा? तो आए, लेकिन किसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा भरोसा अपने पुत्रों पर रहता है, और वो भी ज्येष्ठ पुत्र पर। तो महाराज जजाति उधर से आए बूढ़े होकर के, आ करके उन्होंने कहा, इति लब्ध व्यवस्था न पुत्रम ज्येष्ठम अवोचत। महाराज जजाति के ज्येष्ठ पुत्र हैं जदु महाराज, जिनके वंश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया बाद में। तो जदु महाराज के पास वे आए और कहे, जदो तात प्रतिक्षेमाम जराम देह निजम वय माता मह कृता। बेटा जदु, तुम ये मेरी बुढ़ापा ले लो और अपनी जवानी दे दो, अपनी युवावस्था मुझे दे दो बेटा। माता मह कृता, पितामह दादा को कहते हैं और नाना को मातामह कह दो। तुम्हारे नाना की दी हुई ये बुढ़ापा है, मैंने तुम्हारे नाना ने बूढ़ा कर दिया हमको। माता मह कृता, अपने नाना के द्वारा दी हुई इस बुढ़ापा को बेटा तुम ले लो, और देही बयम निज निज, अपनी युवावस्था मुझे दे दो। किस लिए? तो ये कहते हैं, वयसा त्वदीय न रंसे कतिपया समा। बेटा कतिपया समा, मैं कुछ वर्षों तक तुम्हारी युवावस्था से, तुम्हारी जवानी से मैं संसार का भोग भोगना चाहता हूँ, इसलिए अपनी जवानी दे दो। इस प्रकार से पिता अपने पुत्र से मांग कर रहा। वास्तव में धर्म था जदु महाराज का कि वे अपने पिता को जवानी दे दे, लेकिन देखिए इतना व्यक्ति स्वार्थी होता है संसार में। जो पिता शरीर का कुछ जन्म दिए
माता पिता शरीर को जन्म देते हैं, जन्म देकर खिलाते पिलाते पढ़ाते लिखाते सबको, लेकिन ऐसा पिता अगर जवानी मांग रहा है वो भी कह रहे कतिपय है समय कुछ वर्ष के लिए, लेकिन चार पुत्र नकार दिए। जदु महाराज से जब इन्होंने कहा कि वयसा त्वदीय न, तुम्हारी जवानी से रंग से मैं रमण करना चाहता हूँ, मैं विषय भोग करना चाहता हूँ, कतिपय समा कुछ वर्ष तक, इसलिए बेटा तुम अपनी जवानी दे दो। वास्तव में इस संसार में सांसारिक सुख भोगने का प्रथम उपाय है जवान शरीर। यदि शरीर बूढ़ा हो जाता है तो किसी काम का भोग नहीं लगता है संसार का, सब बात के लिए बुढ़ापा बुरी होती है, ये खराब होता है। तो जदु महाराज ने जवाब दे दिए, वो नहीं दिए जवानी। जदु महाराज ने कहा मृत सहे जरसा स्थातु अंतरा प्राप्त या तव अविदित्वा सुखम ग्राम्यम वैतृष्णम नैति पुरुष। जदु महाराज इतने परम धार्मिक व्यक्ति थे, महान पुरुष थे, तो उन्होंने विचार किया कि मैं अकस्मात बूढ़ा हो जाता हूँ तो मैं भगवान का मंदिर मार्जन करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ और कई तरह से सेवा करता हूँ डीटी की, भगवान विष्णु की, तो मैं बूढ़ा हो जाने के बाद नहीं कर पाऊँगा, मेरी इंद्रियाँ शिथिल हो जाएगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, और पिताजी जवान होकर के विषय भोग करना चाहते हैं तो विषय भोग के लिए मैं उनको जवानी दे दूं और भगवान की सेवा की उपेक्षा कर दूं, भगवान की पूजा आदि न करूं तो ये पाप लगेगा। इसीलिए उन्होंने सीधा जवाब दे दिया नहीं, मुझ सहे जैसा स्था तो अंतरा प्राप्त आता हो, अकस्मात प्राप्त हुई इस बुढ़ापा को मैं नहीं धारण कर सकता हूँ। तो जदु महाराज ने अपने पिता को जवाब दे दिया, नहीं दिए जवानी, तो ये धर्म के कारण। धर्म दो प्रकार का है, एक तो सामान्य धर्म और दूसरा है विशिष्ट धर्म, जिसको भागवत धर्म कहते हैं, परम धर्म, भगवान की सेवा करना है। तो भगवान की सेवा करने की इच्छा से उन्होंने अपने पिता को युवावस्था नहीं दिया। तो जब जदु महाराज ने जवाब दे दिया मैं नहीं दूंगा, उन्होंने एक तर्क भी दिया कि जब तक कोई व्यक्ति ग्राम्य सुख को, स्त्री सुख को नहीं भोगता है तो स्त्री सुख पाने की उसकी लालसा का अंत भी नहीं होता है, उसकी वितृष्णा नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति संसार में स्त्री संग आदि करता है, इस सुख को पाता है, तो उसे पता चल जाता है कि इसमें कोई दम नहीं है, ये केवल दुख है, तो उसका मन वैतृष्ण को प्राप्त होता है, वो छोड़ सकता है संसार को। और वास्तव में यह बात संसार में देखी जाती है, कितने गृहस्थ अपने गृहस्थी जीवन से उबे रहते हैं, उब जाते हैं और अनुभव करते हैं कि अरे ये तो संसार में बहुत जलन है, दुख है, लेकिन उसे भी देखा जाता है कुछ ब्रह्मचारी और सन्यासी वो अंत में गिर जाते हैं, उन्हें वितृष्णा प्राप्त नहीं होती बल्कि उनकी तृष्णा और बढ़ती जाती है। देखा जाता है ना कितने गृहस्थ रहे अपने पत्नी के साथ, रहते भी हैं लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, उनकी उतनी तृष्णा नहीं होती। तो जदु महाराज ने भी कहा कि जब कोई व्यक्ति ग्राम्य सुख है अर्थात स्त्री सुख है नहीं भोगता है तो उसको स्त्री सुख से के दुख का पता नहीं होता है, इसलिए भी वितृष्णा प्राप्त करने के लिए भी संसार के सुख को भोगना आवश्यक है। इस तरह से उन्होंने कहा। वास्तव में भगवान की भक्ति करने के लिए ही वह जवानी नहीं दिए,
इसलिए सुखदेव गोस्वामी आगे कहे हैं कि जदु परम धर्मविद, एकादश स्कंध में जदु महाराज परम धर्म को जानते थे, इसलिए उन्होंने पिता को जवानी दी। तब द्रोहिन और उसके बाद तुर्वशुश्चोदितः पित्रा द्रोहिश्चानुश्च भारत। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, जब जदु महाराज ने जवाब दे दिया तब तुर्वशु के पास आए, देवयानी का दूसरा लड़का, और द्रोही और अनु तीन के पास आए बारी बारी से, और यही प्रार्थना की कि बेटा तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और मेरी बुढ़ापा को ले लो, कुछ वर्षों तक मैं संसार का सुख भोगना चाहता हूँ। लेकिन तीनों ने बारी बारी से कहा नहीं, हम नहीं देंगे। उनके लिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रत्याचक्षु अधर्मज्ञा यनित्य नित्य बुद्ध, गाली देते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये अधर्मज्ञा, ये तीनों बेटा को कह रहे हैं, जदु को नहीं कहे, तीनों को कह रहे हैं कि ये धर्म को नहीं जानते थे, मूर्ख थे, पिता को जवानी नहीं दिए, क्योंकि अनित्य नित्य बुद्ध है, अनित्य में नित्य बुद्धि किए थे, ये जानते थे कि जवानी सदा रहेगी। वास्तव में युवावस्था अनित्य है, कुछ ही वर्षों के लिए युवावस्था होती है, बाद में प्रत्येक व्यक्ति को वृद्ध होना पड़ता है। लेकिन ये तीनों ऐसे थे कि हम क्यों जवानी दें, हम जवानी का सुख भोगेंगे, आखिर एक दिन बूढ़ा होने वाले हैं। लेकिन अनित्य नित्य बुद्ध, अनित्य जौवन धन आदि में ही नित्य बुद्धि किए थे कि ये इटर्नल है, सब समय रहेंगे, ये मूर्ख थे। उनको चाहिए था कि पिता को जवानी दे, लेकिन नहीं दी। जब चार बेटा इस तरह से जवाब दे दिए जजाति महाराज को, तब चौथे पुत्र के पास वे आए और अपृच्छत तनयन पूर्व वयसोलम गुणा गुणाधिकम पूर्व वयसा ऊनम, उम्र में कम था, सबसे छोटा बेटा था, लेकिन गुणाधिकम गुणों में बहुत आगे था, वयस में कम था, उम्र में कम लेकिन गुण में ज़्यादा। ऐसे बेटा से आकर के जजाति महाराज अपृच्छत पहले पूछे, क्या पूछे, उन्होंने पूछा जब चार पुत्रों ने जवाब दे दिया तो छोटे से भी पूछे कि बेटा क्या ये मेरी बुढ़ापा तुम ले करके और अपनी जवानी दे सकते हो। उनको आशा नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने पूछा तो पूछने पर बेटा, छोटा बेटा जवाब नहीं दिया, मतलब ये नहीं कहा कि नहीं दूंगा, वो चुपचाप हो गया। थोड़ा चुप हुआ तब आगे जजाति महाराज ने कहा न तुम अग्रजवत वत्स प्रत्याख्या तुम रहस, बेटा अपने अग्रजों की तरह अग्रजवत, अपने चार बड़े भाइयों की तरह तुम मुझे जवाब मत देना, प्रत्याख्यान मत करना, मतलब नकारना मत, पहले पूछे कि तुम अपनी जवानी दे सकते हो बेटा, मेरी बुढ़ापा ले सकते हो। तो बेटा सुन करके थोड़ा सोचने लगा, चुप हो गया, सीधा नहीं कह दिया नहीं 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 मैं नहीं दूंगा, जब चारों ने नहीं दिया तो हम क्यों दें। जैसे आजकल का बेटा तो ऐसे पाँचों नालायक हो जाते, सोचने लगा। तो जब ही सोचने लगा तब इन्होंने देखा कि अनुकूल है, तब कहते न तुम अग्रजवत वत्स मान प्रत्याख्या तुम्हारा हसी, बेटा अपने अग्रजों की तरह तुम मुझको जवाब मत देना, नकारना मत। इतना सुनते ही छोटा बेटा बोला संपूर्ण विश्व के इतिहास में इतना त्याग करने वाला बेटा नहीं देखा गया जो अपने पिता के सुख के लिए अपनी जवानी दे दी। छोटा बेटा था, गुणों में सबसे ज़्यादा। तो कहता है पुरुवाच, पुरु बोले
कोन लोके मनुष्येन्द्रा पितुः आत्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमोजस्य प्रसादात् बिन्दते परम्। कहा गुरु ने कहा हे मनुष्येन्द्र, हे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, कौन ऐसा व्यक्ति संसार में जन्म लिया है जो अपने पिता के ऋण से मुक्त हो सकता, उऋण हो सकता। पिता ने जो उपकार किया है उन उपकारों का बदला कोई व्यक्ति सैकड़ों जन्म में भी चुकाना चाहे तब भी नहीं चुका पाएगा। क्यों? आत्मा कृतः पितु, आत्मा का अर्थ यह देह है, यह देह है पिता का बनाया हुआ है। वास्तव में प्रत्येक पुत्र या पुत्री पिता का अंश माना जाता, पिता का अंश। तो आत्मकृता मतलब इस शरीर को बनाने वाले, शरीर के जन्मदाता पिता के प्रति उपकार को कौन कर सकता है, किए गए उपकार का बदला कौन चुका सकता है, कौन कर सकता है? कोई नहीं। कुछ भी दे करके पिता के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता, जितना माता पिता करते हैं वास्तव में किसी के लिए। किस तरह से माँ गर्भ में धारण करती है और पिता सब कुछ पालन करते हैं, दवाई देते हैं, पौष्टिक चीज़ पिलाते हैं, रक्षा करते हैं, कितनी ममता से पढ़ाते हैं कि पढ़ ले, इसका भविष्य ठीक रहे, सुख से जिए। रात दिन माता पिता अपने पुत्र के हितैषिता में लगे रहते। तो पुरु ने कहा कि हे महाराज, हे मनुष्येंद्र, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस शरीर को बनाने वाले पिता के ऋण से मुक्त हो सकता है? जब प्रसादत बिंदते परम, यदि पिता प्रसन्न हो जाता है किसी पुत्र के प्रति, तो उसके प्रसन्न होने के, उसके आशीर्वाद से भगवान कृष्ण भी मिल जाते हैं। ये पुरु महाराज को पिता भले डिवोटी हो या ना हो, लेकिन वह यदि पुत्र को आशीर्वाद दे कि तुम्हें भगवान मिलेंगे, तो उसके जब जब प्रसादात बिंदते परम, परम मतलब परम ईश्वरम श्री कृष्णम, उसके आशीर्वाद से भगवान की प्राप्ति होती है। देखिए बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। आजकल के लोफर लड़के पुत्र तुरंत कहते हमारा पिता तो भजन नहीं करता है, तुम तो बिल्कुल पहुँचे हुए महात्मा हो गए, अब रात दिन कृष्ण के अलावा तुमको कुछ याद नहीं आता। माता पिता की अवहेलना करने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ घुल मिलकर रचा पचा रहता है और माता पिता की उपेक्षा करता है, देखा गया। वो तो भजन नहीं करते हैं, वो तो ये हैं, वो तो ऐसे करते हैं, वो प्याज लहसुन खाते हैं, ये करते हैं। एक अहंकार मन में होता है किसी किसी के, हमारे माता पिता ठीक नहीं है। माता पिता तो ठीक नहीं है, लेकिन माया देवी बिल्कुल ठीक है, जिनके साथ ही रात दिन रहते हैं। कभी कभी तो कुछ ये भी प्रश्न करते हैं मूर्ख लोग, महाराज ये माता पिता की सेवा भी माया है ना? नहीं नहीं, कभी माता पिता की सेवा को माया नहीं कहा गया है शास्त्र में, कहीं भी कोई नहीं दिखा सकता। असली माया है पत्नी, यदि देखा जाए मूर्तिमान माया, तो माया को नहीं पहचान पाता है व्यक्ति और कहता है माता पिता की सेवा करना माया। माता पिता के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण मिलते हैं, इस श्रीधर स्वामी की टीका में आप पढ़ सकते हैं, बिंदते परम, भगवान मिल जाते हैं। परम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है और वे मिलते हैं माता पिता के आशीर्वाद से। जब प्रसादत बिंदते परम, तो और चीज़ तो माता पिता सब देते ही हैं, लेकिन उनकी कृपा से भगवान भी मिल जाते हैं। ये बात बहुत ही बिजोड़ कही जा रहे हैं। तो कौन ऐसा है जो माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाए?
उनका उपकार सदा बना रहेगा सबको। तथापि फिर भी यद्यपि कोई माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है, पर पुत्रों में उत्तम, मध्यम, अधम और उच्चरितम पुरुष ये डिवीजन कर रहे हैं। उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारितु मध्यमः, अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितं पितुः। चार प्रकार के बेटा बता रहे हैं पुरु महाराज अपने पिता से। उत्तम पुत्र वह है जो पिता के संकल्प को जान करके और उसे पूरा कर दे, पिता को कहना न पड़े कि यह करो यह करो यह। चिंतितम कर दिया, चिंतितम का अर्थ है पिता के मन के संकल्प को, उनके इच्छा को जान जाए और जान करके ही कुरिया पूरा कर दे, उसे फर्स्ट क्लास का पुत्र कहा गया। उत्तम चिंतितम कुरिया, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि किसके मन में क्या है, पशु पक्षी तक समझ जाते हैं। पशु पक्षी इतने बोलते नहीं हैं, कम बोलते हैं, पक्षी तो बोलते हैं लेकिन पशु कम बोलते हैं। लेकिन बिना बोले ही, किसी की मांग के बिना ही दूसरे की आवश्यकता समझ जाते हैं। तो पिता मान लीजिए सवेरे जगा, कुछ भी ना कहे अपने पुत्र से, लेकिन पुत्र को इतना समझना चाहिए कि इनको पानी की ज़रूरत है, स्नान करेंगे, इनको दातुन चाहिए, ब्रश चाहिए, इनके लिए गर्म पानी कर देना। तो अपने आप ही जो पिता की इच्छा को पूरा कर दे वो फर्स्ट क्लास का पुत्र है। और जो प्रोक्तकारी, जो प्रउक्तकारी, जो कहने पर बोलने पर आज्ञा का पालन करे, तो प्रोक्तकारी तो मध्यमा, वो मध्यम श्रेणी का बेटा है, सेकंड क्लास का बेटा है। सेकंड मध्यम। और अधमो अश्रद्धया कर्त कुरिया, और अधम मतलब थर्ड क्लास का बेटा वो है जो आज्ञा पालन करे लेकिन अश्रद्धा से, प्रेम से नहीं, कर देता है आज्ञा पालन लेकिन भार मान करके। और बल्कि मौका मिलता है तो दूसरे अपने मित्र से कहता है, ये तो बाप है इनको ऐसे आज्ञा नहीं देनी चाहिए, लेकिन अब क्या करें, अब बाप है इसलिए कर देते हैं। बल्कि ऐसी आज्ञा का पालन करे तो अधम पुत्र है, आज्ञा का पालन कर दिया भार मान करके ही किया। और जो आज्ञा का पालन ही न करे कहने के बाद भी अकर्ता, तो उच्चरितम पितु। उच्चरित का अर्थ होता है मूत्र और मल, उच्चरित। जो आज्ञा देने के बाद भी पिता की बात न माने न करे तो वह पिता का मूत्र है या मल है, कुछ नहीं, वो बेटा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो साफ कहा है, राम का जो भजन करता है वो तो बेटा है, पुत्र है, नहीं तो पिता का मूत्र है। जिस अंग से उसकी उत्पत्ति हुई वीर्य से, उसी अंग से मूत्र भी निकलता है। तो यही माना जाएगा कि उसके पिता ने मूत्र निकाला केवल जब भजन नहीं करता है। तो उच्चरितम पितु, जो पिता की बात ही न माने, भगवान की भक्ति न करे, तो वह पिता के मूत्र के समान है, पुत्र नहीं है। पूर्व महाराज की चर्चा बाद के शास्त्रों में बहुत बार दी गई है। जब वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं कि तुम राज्य करो, पिताजी ने तुमको राज्य दिया है, राम को वनवास दिया है, तो तुम राज्य करो कोई बात नहीं, तो समझाते हैं। भरत जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, अगर आप हमको राज्य देंगे तो उसी दिन ये पृथ्वी रसातल चली जाएगी। मोहि राज हठ दे जबही, रसा रसातल जाए तबही। तो वशिष्ठ जी समझाते हैं, देखो बेटा, पिता की आज्ञा मानो, ये धर्म है, तुम राज्य करो। तो उसमें उदाहरण देते हैं, देखो तुमको दोष नहीं लगेगा,
तनय जजाति ही जौवन दयो पितु आज्ञा अभ अजस्म भयो। और उसके पहले कहते हैं परशुराम पितु आज्ञा राखी मारे मातृलोक सब साखी। भगवान परशुराम जी अपने पिता जमदग्नि जी की आज्ञा से अपने माँ का मस्तक काट दिए। और तनय जजाति ही जौवन दयो, और जजाति के छोटे पुत्र ने यौवन दे दिया, जवानी दे दिया। उसी जवान शरीर से जजाति महाराज उसके पत्नी के और उसके माँ के साथ भोग करते थे, इंद्रिय तृप्ति करते थे, लेकिन पितृ आज्ञा अभ अजस्म भयो। इन पूर्व महाराज कोई पाप भी नहीं लगा और अब कीर्ति भी नहीं फैली संसार में, कोई नहीं कहता है कि इन्होंने बुरा किया। अपने पिता को जवानी दिया तो इसका मतलब था कि पुत्र ही जवान बन करके और अपने माँ का संग कर रहा है, ये माना जा सकता है। लेकिन चूँकि पिता की आज्ञा थी इसलिए न कोई अघ लगा न कोई अजस लगा, कोई पाप लगा और न अपकीर्ति हुई, बल्कि सब लोग पूर्व महाराज की प्रशंसा करते, धन्य है बेटा जिसने अपने पिता को जवानी दे दिया। हम लोगों का जो वैदिक इतिहास है इस प्रकार से महान कथाओं से भरा हुआ है। आजकल के लोगों को सुनना चाहिए, कम से कम पिता को जवानी नहीं दे पाए तो उनको सुखी रखने के लिए जितना कर सकते हैं उतना तो करना चाहिए ना, निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। माता पिता की सेवा वास्तव में धर्म है तो अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए। पर लोग वैदिक इतिहास न सुनते हैं न पढ़ते हैं, इसलिए ज्ञान उनको आ नहीं पाता है। क्या पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं, आज का कचरा है टीवी में या न्यूज़पेपर में या जहाँ तहाँ, केवल भ्रष्ट चीज सुनते हैं देखते हैं। इसीलिए लोग नारकी होते जा रहे हैं, कोई जीवन में तरक्की नहीं हो रही। जब ऊंची कथाएं नहीं सुनेंगे, महान विचार नहीं सुनेंगे तो विचार महान आएगा कैसे? इसलिए बार बार कहा जाता है भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान में मन लगता है, सत्पुरुषों के चरित्र, राजर्षियों के चरित्र या ब्रह्मर्षियों के भक्तों के चरित्र सुनना चाहिए। तो महाराज पूर्व अभी तो छोटे थे, उन्होंने स्वेच्छा से इति प्रमुदित पूर्व, इति प्रमुदित पूर्व प्रत्यग्रहणा जनाम पितु, बड़े खुशी से प्रमुदित आनंद से पूर्व ने अपने पिता की बुढ़ापा को ले लिया। और सोपी तद वैसा कामान यथावत जुज से निर्पण, और हे महाराज परीक्षित सो अपि महाराज जजाति भी अपने पुत्र की जवानी से यथावत कामान जुजु से, यथावत मतलब अपनी इच्छा भर करके बहुत अधिक उल्लास के साथ विषयों का भोग करने लगे। विषय पांच प्रकार के हैं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध इत्यादि। तो अपने इंद्रियों से विषयों को भोगने लगे, जवान हो गए। यह दिखाया गया है नवम स्कंध में कई प्रसंगों में कि बड़े बड़े राजा जो इस पृथ्वी के सम्राट थे और उन्हें भोगों की प्रचुर सामग्रियाँ उपलब्ध थी और इंद्रियाँ भी अव्याहत थी, इंद्रियों की शक्ति भी भोगने की पूर्ण बनी रही, फिर भी कुछ भी भोग भोगने के बाद वे सुखी नहीं हुए, रोते ही रह गए। क्योंकि संसार के इंद्रियों के जो भोग हैं वे कभी सुख नहीं दे सकते हैं। भगवान ने गीता में कहा है यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नये वत्ते आद्यंतवंत कौंते न ते सुरंते बुधा। इंद्रियों के जो संस्पर्शज भोग हैं ये दुख की योनियां हैं, अनेक प्रकार के दुख पैदा होते हैं संस्पर्शज भोग। अतः बुधा इन आदि और अंत वाले शुरू होते हैं और इनका अंत हो जाता है, इसमें नहीं रमता है विद्वान व्यक्ति, इसमें नहीं रमता है। तो यह दिखाया जा रहा है कि इतने बड़े बड़े राजा फुल एक्सटेंट तक
पूर्ण रूप से इंद्रियों का सुख भोगे लेकिन किसी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकी। अंत में उन्होंने राज्य त्यागा, वैभव त्यागा और वन में चले गए। जब भगवान की भक्ति करने के लिए तब वे सुखी हो गए। जैसे अनेक राजाओं का चरित्र दिया गया, तो वो राजा नहीं सुखी हो सके इंद्रियों के भोगों से। तो आजकल के व्यक्ति जिसको तो कोई भोग सुलभ ही नहीं है, और कुछ थोड़ा थोड़ा सुलभ है तो शरीर में हजारों रोग है, वो भोग ही नहीं सकता है, तब कैसे सुखी होगा। जो पहले के इतना ऊंचा भोग भोगने वाले लोग सुखी नहीं हो सके, तो आजकल के आदमी को तो कोई भोग सुलभ भी नहीं है। दो चार वर्षों में ही टीवी हो जाती है, तो कैंसर हो जाता है, तो ये रोग वो रोग, तो बाईपास ऑपरेशन, क्या सुख भोगेगा वो, कितना दिन भोगेगा, कितनी दिन जवानी रहती है। आजकल के लड़के तो जवान होने से पहले ही बूढ़ा हो जाते हैं, देखा जाता है। छोटे छोटे लड़के हैं और चश्मा आँख पर चढ़ गया, वो एक फैशन जैसा। लेकिन क्यों फैशन ही नहीं है, वास्तव में वो चश्मे के बिना देख ही नहीं सकते। क्या वे भोग भोगेंगे, जहाँ न खाने को अच्छा मिल रहा है, न कुछ भी वातावरण। तो पूर्व का यह इतिहास, जिस बच्चे ने, जिस पुत्र ने अपने पिता को जवानी दे दिया, जुग जुग तक पितृ भक्ति का दीपक जलाता रहेगा। लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि हाँ, बेटा ने अपने पिता को जवानी दे दिया, पिता को सुखी करने के लिए अपने सुख का हवन कर दिया, उत्सर्ग किया। ऐसा होना चाहिए। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए बेचैन है, लेकिन फिर भी संबंध देखना चाहिए। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हम राज्य सुख के लोभ से हम अपने बंधुओं की हत्या नहीं करेंगे। हम भले भीख मांग करके जिएंगे, लेकिन हम अपने संबंधियों पर हथियार नहीं उठाएंगे। वास्तव में लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन का ये महान विचार था, उन्हें दया आ रही थी। लेकिन परमार्थिक दृष्टि से भगवान की आज्ञा का पालन करना ही अर्जुन के लिए कर्तव्य था। अर्थात भगवान ने कहा, नहीं, तुम आज्ञा का पालन करो और युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है। उन्होंने युद्ध किया, परंतु आज के युग में देखा जाए तो अर्जुन का जो अज्ञानमय विचार था, अविद्या का विचार, वो भी कितना हाई था। राजा का पुत्र होकर के भी, महान धनुर्धर होकर के भी कहते हैं, हम भीख मांग कर जी जाएंगे, लेकिन अपने बंधुओं पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो इस प्रकार के उन्नत विचार हैं। तो उसी वंश में अर्जुन का जन्म हुआ है, युधिष्ठिर महाराज पुरु के वंश में, और जदु के वंश में साक्षात भगवान आए। जदु महाराज परम धर्मवेत्ता थे। बाकी तीन के जो लड़के थे वो तो बिल्कुल नालायक बेकार थे, तुर्वसु, अनु और द्रुयु, ये सब बेकार थे। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रसंग है, जिसमें पुत्र अपने पिता को अपने शरीर ही दे दिया। एक प्रकार से बुढ़ापा स्वीकार करके जवान शरीर देने का मतलब था अपने शरीर को दे देना, आत्महत्या के समान दे दिया, और खुशी के साथ दिया, प्रमुदित। बूढ़ा हो गया लेकिन अपने पिता का सुख देख करके वो लड़का बहुत खुश रहता था, बहुत प्रसन्न रहता था। हमारे जजाति अब विषयों का भोग करने लगे, पुत्र उत्पन्न करने के लिए उन्होंने शर्मिष्ठा का संग किया था, लेकिन बस वह केवल एक्सीडेंटल संग था उनका। बाकी धर्म के अनुसार अपनी पत्नी देवयानी के साथ ही रहते थे। सप्त द्वीप पति, सातों द्वीपवती पृथ्वी के राजा थे, तो सम्यक पालयन प्रजा,
वे प्रजा का पालन कर दो, पितृवत पालयन प्रजा। महाराज जजाति ऐसा नहीं था कि आजकल के जैसे बिल्कुल लंपट लोग होते हैं, स्त्रियों के साथ ही रहते हैं स्त्री भोग में और अपने धर्म कर्म का पालन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं था। महाराज जजाति ये बात थी कि अपनी पत्नी देवयानी में बहुत आसक्त थे, लेकिन अपने कर्तव्य का पूर्ण पालन कर रहे थे। राजा का क्या कर्तव्य है? प्रजा का पालन। तो पितृवत पालयन प्रजा, जैसे माता पिता अपने पुत्र को पालते हैं स्नेह से, इस तरह से प्रजा का वो पालन कर रहे थे। प्रजा के पालन में दो चीज़ की आवश्यकता होती है, एक तो संरक्षण और दूसरा है सुरक्षा पोषण। बाहरी संकट से बचा लेना, रोग दुख आदि न होने देना और उचित भोजन वस्त्र आदि दे करके पोषना, उचित शिक्षा देना, भगवान की भक्ति का प्रचार करना जनता में, तो इस तरह से वो जनता का पालन कर रहे थे। कितने अनुराग के साथ, कितनी तत्परता के साथ, पितृवत माता पिता की तरह। माता पिता अपने बच्चों का पालन करते हैं, इसके लिए उनको कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, स्नेह से करते हैं। तो इस तरह से महाराज जजाति पालन कर रहे थे। ये राजा का कर्तव्य है कि अपने प्रजा का पालन कर अपने पुत्र के समान। अन्यथा यदि राजा प्रजा का पालन नहीं करता है, उसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है, तो वह राजा निश्चित नरक का कैंडिडेट होता है, निश्चित नरक जाता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। आजकल के सांसदों को और विधायकों को सावधान होना चाहिए। इस समय तो संसद और विधानसभा में बैठ रहे हैं, लेकिन अगर बेईमानी किए, ठीक से प्रजा का पालन नहीं किए, तो जमराज के दूत उनकी खबर लेंगे और नरकों में बहुत पिटाई करते हैं, बहुत पीटते हैं, जलाते हैं, मारते हैं। क्या करेगा ये राज्य सुख, जब अंत में जमराज के हवाले जाना ही है, क्या सुख है। इसलिए ये सब पद बहुत खतरनाक भी है। केवल अपने परिवार को परिवार समझना, पैसा चुराना, जनता की सेवा नहीं करना, वोट मांगना होता है तो सीधा कहते हैं हमें एक बार सेवा का अवसर दीजिए। सेवा का अवसर चाहते हो कि लूटने का अवसर चाहते हो? वो तो फैसला कर देंगे जमराज के दूत ठीक से। तो जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये भगवान के वचन है लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी वन के लिए तैयार हो गए तो भगवान राम कहते तुम रहो, सबका पालन करो, जनता की सेवा करो, हम तो पिता की आज्ञा से जा रहे हैं। तो उसी में कहें कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। महाराज जजाति पूर्ण धर्मात्मा राजा थे, अपने संपूर्ण प्रजा का पालन पुत्र की तरह करता। प्रजा माने, प्रजा का मतलब होता है संपूर्ण जीव समुदाय, केवल मनुष्य नहीं। आजकल के लोग तो प्रजा और सिटीजन का मतलब बस मनुष्य समझते हैं, वो भी ठीक से नहीं सबका पालन करते। क्या पालन कर रहे हैं? आज देखिए इतने रोगी हैं, तो रोग है लेकिन दवाई कितनी महंगी हो गई है और पढ़ाई। बच्चे कौन अपराध किए हैं कि उनको फ्री शिक्षा नहीं दी जा रही है? पढ़ाई इतनी महंगी होती जा रही है और दवाई। पहले के वैद्य होते थे, हम लोगों ने देखा है अपने होश में ही, वैद्य आते थे किसी घर पर तो नाड़ी दे करके दवा देते थे और इसके बाद एक पैसा नहीं मांगते थे। व्यक्ति श्रद्धा से उन्हें जो भी गेहूँ या चावल या कुछ पैसा दे देता था ले लेते थे, लेकिन मांग नहीं करते थे कि इतना हमारी फीस है ये है। लेकिन आजकल के डॉक्टर बहुत भारी इनकम का शासन साधन बना लिए, बहुत पैसा लेना और ये करना, ये सब सरकार के देख रेख में हो रहा है।
तो मनुष्यों का भी पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं। और फिर प्रजा का मतलब होता है वृक्ष, पक्षी, पशु, ये सब प्रजा है राजा के लिए। सबके सुख पर ध्यान देना चाहिए कि यह वृक्ष कैसे सुखी होगा, यह पक्षी कैसे सुखी रहेंगे, पशु कैसे सुखी रहेंगे। आजकल के लोग कहीं कहीं तो प्रजा की सेवा करते हैं, हम मनुष्य को सुखी करो और जितने भी पशु हैं उनको काट कर उनके पेट में डाल दो, यही सेवा। गोहत्या करो, जंत्री कसाई खाना खोल खोल करके इतनी निर्मम हत्या करते हैं पशुओं की। तो इस तरह जिनके राज्य में ये सब प्रजा दुखी रहती है तो वो तो निश्चित नरक जाते हैं। महाराज जजाति परम धार्मिक, उनके राज्य में पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष सब सुखी थे। मैंने देखा पूरे भारतवर्ष में ये रोड एक्सटेंशन के नाम पर जितने भी प्राचीन वृक्ष थे बढ़िया अच्छे अच्छे सबको काट कर फेंक दिया इन लोगों ने, कोई नया वृक्ष अच्छा नहीं लगा रहे। ये आज की दशा है, कहता हम प्रजा का पालन करें। मनुष्यों को इतना तेज गति से दौड़ा करके और इन वृक्षों की हत्या कर देना, क्या यह प्रजा की रक्षा हुई? पक्षियों के बैठने के लिए जगह चाहिए, उनके लिए फल चाहिए, पशुओं के लिए चाहिए, सब कुछ ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर महाराज जजाति के विषय में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि पितृवत पालयन प्रजा, वे अवश्य अपनी पत्नी में आसक्त थे, विषय भोग में थे, लेकिन अपने ड्यूटी में पूर्ण रूप से समर्थ थे। माता पिता की तरह, माता पिता जैसे पुत्र का पालन करते हैं वैसे प्रजा का पालन कर रहे थे। जथोपजोषम विषयान जुझसे अव्याहत इंद्रिय, और विषयों का भोग भी कर रहे थे। अनेक प्रकार के विषय हैं, खाना पीना या भोगना, विशेष करके दीवानी के साथ में इंद्रिय तृप्ति में थे। जथोपजोषम, जहाँ तक उनकी शक्ति से जहाँ तक सेटिस्फैक्शन मिलता था वे विषय भोग में थे। और अव्याहत इंद्रिय, उनकी कोई भी इंद्रिया आहत नहीं हुई, शक्ति कम नहीं हुई देखने की या सुनने की या काम करने की, कोई भी इंद्रिया शिथिल नहीं हुई उनकी। अव्याहत इंद्रिय से विषयों का उपभोग कर रहे थे। जब जवान थे तब तो किए ही, इसके बाद पुत्र की जवानी लेकर के वे इस तरह बेरोक टोक के धर्म के अनुसार विषयों का भोग कर रहे थे। ये बात जब जजाति महाराज के जीवन में परम धार्मिक थे, अपनी पत्नी के अलावा स्वप्न में भी वे किसी के प्रति निगाह नहीं रख सकते थे, किसी स्त्री के प्रति। भगवान की भक्ति में भी लगे थे, जो राजा के अनुसार जो कर्तव्य है। अच्छा, पत्नी ऐसी मिली थी जो सब तरह से अनुकूल थी। एक तो परम उच्च कुल की थी, परम विदुषी थी और परम सुंदरी थी और परम पतिव्रता। देवयानी के मन में सपने में भी अहंकार नहीं आया कि मैं ब्राह्मणी हूँ तो एक क्षत्रिय की मैं क्यों सेवा करूँ, पूर्ण समर्पिता थी। तो उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देवयान्यपि अनुदिनम मनोवाग देह वस्तु भी प्रेयस परमां प्रीति वाह प्रेयसी रहा। देवयानी एक पतिव्रता स्त्री थी और वह सब प्रकार से पति को सुखी करना चाहती थी। जैसे वे सुखी हो परमां प्रीति, उनको परम सुख मिले, परम प्रसन्नता मिले, इसके लिए मनो वाग देह वस्तु भी परमं प्रीतिम उवाह, अपने मन से संकल्प से पति के सुख के लिए ही विधान बनाया करते थे। उनके लिए ये करना है, ये करना है, उनके लिए ये भोजन बनाना है या उनका कपड़ा ऐसे सजाना है, और मनो और वाक का अर्थ है वचन, वाक
अपने मन से, संकल्प विकल्प से, अपनी वाणी से और अपने देह से और विविध वस्तुओं से अपने पति को खुश रखना चाहती थी कि ये सुखी रहे, सुखी रहे, सुखी रहे। वस्तु भी का अर्थ है भोजन आदि द्वारा या अनेक प्रकार की वस्तुओं को जुटाया करते थे दिन में रात में सब समय कि पति को जो देना है ऐसे सुखी होंगे। और वाक वचन, वचन बोलती थी बहुत अच्छा से। इस संसार में किसी व्यक्ति के सुखी स्टैंडर्ड में ये सुख, वो सुखी व्यक्ति है तो एक सुख का आइटम ये है कि पत्नी बहुत मधुर बोले, एक सुख माना गया है पति के लिए। अगर पत्नी बहुत प्रेम से बोलती है, कभी पति को गाली नहीं देती है, डांटती नहीं है, तो यह पति का एक सुख माना गया है। क्योंकि किसी पुरुष के लिए वो बाहर जब काम करने जाता है, चाहे ऑफिस में, दुकान में या कहीं भी, तो कई जगह वो परेशान होता है। कभी मान लीजिए उसकी कोई अपेक्षा किया या कुछ किया, तो जब वो बाहर से भागा हुआ अपने घर आता है तो घर पर जब स्त्री, जो पत्नी बहुत सुंदर वचन बोलती है तो वह बेचारा तृप्त हो जाता है। चलो और कहीं नहीं तो कम से कम यहाँ तो मेरा आदर है ना। कहते भी हैं ईस्ट और द वेस्ट, होम इज द बेस्ट। सबसे बेस्ट है अपना घर। तो घर बेस्ट क्यों है? इसलिए नहीं कोई ऐसी रूम है, इसलिए नहीं कि घर में बहुत सामग्री है, पैसा है, सजाया गया है, नहीं। होम इज द बेस्ट इसलिए कि होम पर अपनी पत्नी स्वागत करती है। और ऐसा लिखा गया है कि पत्नी का कर्तव्य है कि पति के घर में आने की आहट पाते ही वो खड़ी हो जाए। जब ये जान जाए कि पति आ रहे हैं, चाहे वो फोन पर बता दिए हों चाहे जैसे, अगर पति, पत्नी को पता चल जाए कि पति आ रहे हैं घर पर, तो उसे खड़ा हो जाना चाहिए उनकी अगवानी के लिए, रिसीव करने के लिए। इसको प्रत्युत्थान कहा गया है संस्कृत में। ये नहीं सोचना चाहिए अरे वो जानते ही हैं और चाबी भी है उनके पास, खोल करके आ जाएंगे, खड़ा क्या होना है। अरे खड़ा पत्नी नहीं होगी तो एक दिन सचमुच खड़ा नहीं रह पाएगी, ऐसे ही भारी शरीर हो जाएगा और रोगी बन जाएगी। इसे हमेशा काम में रहना चाहिए, तो फुर्तीला शरीर रहना। तो पति के आते ही वो खड़ी हो जाए और जा करके दरवाजा खोले और प्रत्युत्थान उपागते गृहपतौ तदभाषणे नम्रता, और उनसे बहुत नम्र भाषा में बोले और पादार्पित दृष्टि पति के चरण पर ही देखना चाहिए। स्त्री का एक कर्तव्य माना गया। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये और हम दोनों एक नाता के हैं, बराबर का संबंध है, तो इसलिए इनके मुख पर ही देखना चाहिए। ऐसा नहीं, इनके चरण पर देखना चाहिए। ऐसा वर्णन किया गया है नीति शास्त्र में। तो पत्नी जब प्रेम से बोलती है, कभी भी क्रोध या उद्वेग से नहीं, तो पति का यह एक सुख है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि देवयानी भी अनुदिनम, प्रतिदिन निरंतर अपने पति की सेवा कर रहे थे, उनको सुखी करने का प्रयास कर रही थी। मनो वाग देह वस्तु भी, मन से, वचन से, देह से और वस्तुओं से। देह से पति की सेवा करती थी, इसका मतलब पति का चरण दबाना, पंखा झलना, इन सब के द्वारा, और अपने देह को पूरा अर्पित कर चुकी थी जैसे भी सुखी हो, ये भाव है। और अनेक वस्तुओं से, सप्त द्वीपवती पृथ्वी के राजा थे जजाति महाराज, और पत्नी परम अनुकूल मिली थी, परम सुंदरी, और सब तरह से पति का ही हित चाहते थे, सेवा करते थे। इतना सुख मिलने पर भी और 1000 वर्षों तक विषय भोग में भी उनकी तृप्ति नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं था कि भाई केवल भोगों में थे, वे भजन भी करते थे। तो उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अयजद यज्ञ पुरुषम
कतुभि भूरि दक्षिणहि सर्वदेवमयम देवम सर्ववेदमयम हरिम। महाराज जजाति भगवान की भक्ति करते थे, अपने धर्म के अनुसार वे राजा थे, इसीलिए बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करते थे। विविध यज्ञों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करते थे, नारायण की आराधना करते थे। राजा का कर्तव्य है को यज्ञ करे। यज्ञ जैसे इस युग में संकीर्तन यज्ञ, कथा यज्ञ और प्रसाद वितरण इत्यादि, ये यज्ञ माना गया है। यज्ञ संकीर्तन पर जजन थे सुमेध। तो राजा जजाति विविध यज्ञ करते थे, जिन यज्ञों में भूरी दक्षिणाएं, प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थी, दक्षिणा दी जाती। जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं दी जाती वो यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। दक्षिणा का क्या अर्थ है? दक्षिणा का अर्थ है यज्ञ में भाग लेने वाले ब्राह्मणों को देना, और इसके साथ ही साथ जनता को प्रचुर मात्रा में प्रसाद वितरण करना। महाराज जजाति के यज्ञ का वर्णन किया गया है पद्म पुराण में। तो वहाँ लिखा गया है कि दाल रखने के लिए बड़े बड़े कुंड बने हुए थे, कुंड बड़ा बड़ा, क्योंकि बर्तन छोटा छोटा नहीं, कुंड भरे हुए थे दाल के, और भात के पर्वत के शिखर जमा होते थे। इतना ज़्यादा भात बनाया जाता था सारी जनता को बांटने के लिए, और दाल सब्जियाँ और भात में दाल में घी प्रचुर मात्रा में डाला। हमारे मन में एक बार जिज्ञासा आई कि ये यज्ञ में पूरी पुआ ये सब का उल्लेख क्यों नहीं? वो तो था ही, वास्तव में विधान ये था कि भात बनाया जाएगा, दाल बनाया जाएगा, इसको बनाने में सुविधा होती है और ठीक से जनता को पचता भी है, अपच आदि नहीं होता है, और हलवा बनाया जाता था जिसमें घी टप टप टपकता रहता था। घी में हलवा बनता था, न कि पानी में। कई कई लोग हलवा बनाते हैं पानी रहता है, घी नाम मात्र का रहता है, तो ऐसा हलवा नहीं, जनता को बांटा जाता है भगवान का प्रसाद। यज्ञ का मतलब ही था प्रसाद वितरण खुल करके, दक्षिणा का मतलब होता है। आजकल लोग दक्षिणा का मतलब समझते हैं कुछ ब्राह्मणों को दे देना, बाकी जनता को सूखा आटा थोड़ा थोड़ा हाथ पर दे कर कुछ चटवाते, यही हो गया प्रसाद और यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में प्रचुर प्रसाद वितरण होना चाहिए, भगवान विष्णु का प्रसाद, सारी व्यवस्था। तुम्हारा जो जजाति बहुत यज्ञ की, जिसमें भूरी दक्षिणा कृत भी लिखा है, बहुत दान दिया जाता था। किसकी आराधना करते थे यज्ञों के द्वारा? सर्व देवमयम देवम सर्व वेदमयम हरि। भगवान हरि श्री कृष्ण सर्व देवमय हैं, यदि इनकी पूजा हो गई तो सारे देवताओं की पूजा हो गई। सर्व देवमय, यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को विष्णु को प्रसन्न कर ले तो इसका मतलब वो सबकी प्रसन्नता प्राप्त किया। भगवान की पूजा करने से गणपति जी प्रसन्न रहते हैं, भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं, भगवान सूर्य माता दुर्गा जी ये सब प्रसन्न होते हैं। यह उस तरह से आराधना, जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष के मूल में सिंचन कर रहा है, जल दे रहा है, तो वृक्ष के सभी अंगों को पुष्ट करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, तो वह सबकी सेवा कर रहा है, और नहीं भगवान को छोड़ करके कोई किसी खास देवी देवता का भजन कर रहा है, भगवान विष्णु का भजन नहीं करता, तो वह व्यक्ति ऐसा है जैसे किसी वृक्ष के शाखा के एक अंग पर पत्ता पर पानी डाल रहा है। तो पत्ता पर पानी डालने से थोड़े वृक्ष पूरा सुखी रहेगा। भगवान का भजन करने से सारे देवता आशीर्वाद देते हैं, सब तृप्ति का अनुभव करते हैं।
जजाति महाराज भगवान हरि का भजन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। सर्व देवमयम देवम, जो सबसे बड़े आराध्य हैं, पूज्य हैं, देव हैं, सभी देवता उनमें है। सर्व वेदमयम हरि, और भगवान श्री कृष्ण या विष्णु सर्व वेदमय हैं। सारे वेद यही उपदेश करते हैं कि कृष्ण का भजन करना चाहिए, विष्णु का भजन करना चाहिए, यही सारे वेद कहते हैं। तो सर्व वेदमय है, वेद के प्रतिपाद्य हैं, ये अर्थ है। और आगे कहा जस्मी निदम विरचितम व्यम्नि व जलदावली, जैसे व्यम्नि आकाश में बादल कभी छा जाते हैं, कभी नहीं रहते, इसी तरह से भगवान के भीतर ही